बस अप्रूवल वाला हेडिंग मैंने छुड़वा रखा है ना, हाँ अब उसी के बारे में आएगा, वो मैं बताता हूं, है ना। तो ये ऑडिट कमिटी के ओमनिबस अप्रूवल वाली चीजें हैं, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक, सेक्शन 188 खत्म, सेक्शन खत्म हुआ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रोविजंस खत्म नहीं हुए। अभी तो ये सेबी अंकल भी आए हैं, ये भी बहुत सारी बकवास करेंगे, है ना। एंड अभी ओमनिबस अप्रूवल भी पढ़ना है, चले ओमनिबस अप्रूवल भी करके अपन खत्म करते हैं, है ना। अब ये समझो आप कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, तो हमने बोला सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करते हैं, फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, फिर लिमिट से ज्यादा है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है, फिर अगर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है तो जनरल मीटिंग में उसे पास नहीं करने देंगे रिजोल्यूशन। ये चार बेसिक प्रोविजन है, अगर मेरे साथ आपने रिवाइज किया होगा तो चारों याद हो गए होंगे, है ना। अब बोला है कि जिस कंपनी में एसी लगा होता है ना, मतलब ऑडिट कमेटी होती है ना, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है ना, तो बोर्ड मीटिंग से पहले ऑडिट कमेटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अप्रूव करती है। ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर ये काम ऑडिट कमेटी करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर ये काम कौन करती है, ऑडिट कमेटी। क्यों, रेगुलर बेसिस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस के ट्रांजेक्शन है तो हम रेगुलर ट्रांजेक्शन करने के लिए फ्रिक्वेंटली बोर्ड मीटिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो हम हमारे ये पावर किसको देके रखते हैं, ऑडिट कमेटी को देके रखते हैं। एंड ऑडिट कमेटी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर इन ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करती है। पहली चीज तो ये समझाओ। दूसरा, अब बोले ये ओमनीबस अप्रूवल क्या होती है, बोले एन ब्लॉक परमिशन, इकट्ठी परमिशन। बोले क्या मतलब, बोले जैसे शर्मा जी हैं वो रिलेटेड पार्टी हैं, है ना, और बोले पूरे साल भर में उनके साथ हमारे रेगुलर बेसिस पर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। शर्मा जी जो है रिलेटेड पार्टी हैं, बोले थ्रू आउट द ईयर उनके साथ हम क्या करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, चलते रहते हैं हमारे ट्रांजेक्शन। मालूम पड़ा साल भर के अंदर 15 ट्रांजेक्शन करें तो हर ट्रांजेक्शन के पहले प्रायर अप्रूवल आपको किसकी लगेगी, एसी की। कंपनी में एसी लगाए तो ऑडिट कमेटी है तो ठीक है। अब यार अर्जेंसी की भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो हर ट्रांजेक्शन को हम कैसे पहले से, हर ट्रांजेक्शन को करने से पहले ऑडिट कमिटी कैसे मीटिंग कर लेगी। तो फिर क्या बोला, बोले एक काम कर, जब तेरे को मालूम है ना शर्मा जी के साथ तेरे साल भर में रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, तो बोले पूरे ईयर की, पूरे ईयर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनकी ओमनीबस मतलब एन ब्लॉक परमिशन दे दे, मतलब पूरी इकट्ठी परमिशन साल भर के ट्रांजेक्शन की दे दी। तो बोले ठीक है, साल भर में इससे लगभग 3 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, बोले 3 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन की इकट्ठी आज परमिशन दे दी कि इन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर इसके साथ ट्रांजेक्शन कर लेना। तो होगा क्या, जैसे कोई भी इमीडिएटली ट्रांजेक्शन आता है तो हमें ऑडिट कमेटी की मीटिंग करने के लिए उनके पास नहीं भागना पड़ेगा। ऑमनिबस का पहले मतलब समझ लो, इसका ऑब्जेक्ट समझ लो, है ना, कि जब हमें बोर्ड मीटिंग में बोर्ड की कंसेंट लगती है ना, तो बोले जिस कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होती है ना तो ऑडिट कमेटी कंसेंट देती है फिर, है ना। अब जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा पहले किसकी परमिशन लगेगी, ऑडिट कमेटी की। बोले हाँ यार लगेगी। बोले अगर मालूम ही है कि इस बंदे के साथ साल भर में रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, एडवांस में मालूम है कि इस बंदे के साथ जो रिलेटेड पार्टी है साल भर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो क्यों ना हम साल भर के सारे ट्रांजेक्शन एक बार में एक्सपेक्टेड बेसिस पर अप्रूव करवा लें। उसे बोलते हैं ओमनिबस अप्रूवल, मतलब इकट्ठी अप्रूवल, कि पूरे साल भर में इस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करने की हमने अप्रूवल दे दी कि पूरे साल भर में इतने ट्रांजेक्शन तक इसके साथ तू करते रहना, हर ट्रांजेक्शन के पहले मत पूछना आकर। ये होता है बेटा ओमनीबस अप्रूवल, आपको समझ में आया है ना। अब बोल दिया है, क्या बोला है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, एंड ऑडिट कमिटी मे मेक ओमनीबस अप्रूवल, है ना, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक
मतलब ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल दे ये जरूरी नहीं है, बट अगर ये कंडीशंस पूरी होती है और ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल देना चाहती है दे सकती है। वापस से रिलेटेड पार्टी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं मैंडेटरी है उनके लिए ऑडिट कमेटी की परमिशन लेना, ऑडिट कमेटी चाहे तो साल भर की ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है ना। किन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली? पहला बोले ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्राइटेरिया बता देंगे ओमनिबस अप्रूवल देने का, जिसमें इनको इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ऑडिट कमेटी अपना प्रपोजल रखेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, बोले क्या कि भाई इस व्यक्ति के साथ साल भर में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, ऐसे कई सारे व्यक्ति जिनके साथ साल भर में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो हमें साल भर की इकट्ठी परमिशन देने की परमिशन दो आप, हम इकट्ठा परमिट कर सकें इसका हमें अथॉरिटी दो आप। तो फिर क्या बोला है? बोले ऑडिट कमेटी जो है शैल After obtaining approval of board of director, मतलब पहले वो बोर्ड की अप्रूवल लेगी एंड बोर्ड से क्राइटेरिया मतलब स्टैंडर्ड बनवा लेगी, मॉडल बनवा लेगी, बोर्ड बोलेगा इन इन चीजों को चेक करना, इन चीजों को चेक करके तू परमिशन दे देना, जिसमें ये रहेगा बोले क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट ऑफ अ ईयर ओमनिबस रूट के थ्रू, ओमनिबस रूट के थ्रू एक पूरे साल में मैक्सिमम कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, 50 लाख का होगा, 80 लाख का होगा, कितने का होगा, साल भर का एग्रीगेट ट्रांजेक्शन का दे देंगे ओमनिबस रूट के थ्रू। फिर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी अलाउड है? बोले साल भर का 50 लाख तो आपने दे दिया, बोले बट एक बार का ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10-10 लाख के 5 ट्रांजेक्शन कर ले, एक बार का ट्रांजेक्शन 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज द केस में भी जो भी वैल्यू वो अप्रूव कर देंगे, है ना। फिर वो ट्रांजेक्शन के लिए ओमनिबस अप्रूवल के लिए क्या क्या डिस्क्लोजर, क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किन चीजों को कंसिडर करते हुए ऑडिट कमेटी अप्रूवल देगी, वो इंफॉर्मेशन का एक्सटेंट एंड मैनर बता दिया जाएगा। फिर टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे ऑडिट कमेटी, टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो भी हुए हैं ओमनिबस रूट के थ्रू, कि ठीक है ट्रांजेक्शन हो गया तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग हुई तो बोले इस क्वार्टर के अंदर इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं ओमनिबस रूट के थ्रू, तो ऑडिट कमेटी उन्हें एक बार रिव्यू कर लेगी, चेक करती रहेगी, है ना। फिर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे जो ओमनिबस रूट के थ्रू नहीं किए जा सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे साल भर के जितने ट्रांजेक्शन है उनकी वैल्यू बता देगा, फिर सिंगल ट्रांजेक्शन की वैल्यू बता देगा, फिर क्या क्या डिस्क्लोजर आप सामने वाले से लोगे ये बता देगा, कब कब आपको रिव्यू करना है सारे ट्रांजेक्शन को ये बता देगा, एंड कौन से ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं ओमनिबस के थ्रू ये बोर्ड बता देंगे, तो बोर्ड अपनी तरफ से पूरा गाइडेंस दे देंगे, उनके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन कौन ले लेगी ऑडिट कमेटी, ठीक है। फिर ऑडिट कमेटी इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करेगी, पहला रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि भाई पास्ट के अंदर आपने देखा यार इस व्यक्ति से इतने ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव होते हैं तो क्या फ्यूचर में भी इतने होने के चांस है, वो कंसीडर करो। अगर रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं है, साल भर में एक आध बार, दो चार साल में कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए काहे कि ओमनिबस अप्रूवल यार। फिर दूसरा जस्टिफिकेशन नीड ओमनिबस अप्रूवल की, लॉजिक क्या है, अर्जेंसी के अलावा तो मेरे ख्याल से कोई लॉजिक दिखता नहीं है कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन है फटाफट से हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो हमारा इसलिए, है ना। तो ये दो फैक्टर रहेंगे, रिपीटेटिवनेस देखा जाएगा और जस्टिफिकेशन देखा जाएगा, ठीक। फिर क्या बोला है, ऑडिट कमेटी अपने आपको सेटिस्फाइड करे कि जिस व्यक्ति को वो ओमनिबस रूट से अप्रूवल देना चाहती है उससे रेगुलर बेसिस पर ट्रांजेक्शन होते हैं एंड जस्टिफाइड रहेगा, है ना। फिर क्या बोला है, ओमनिबस अप्रूवल देते समय ऑडिट कमेटी उस रिलेटेड पार्टी का नाम बताएगी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कौन से कर सकते हैं ये बताएंगे, कब तक किया जा सकता है ये बताएंगे, अमाउंट स्पेसिफाई कर देंगे, है ना। फिर हर ट्रांजेक्शन को करने की बेस प्राइस क्या रहेगी, करंट मार्केट प्राइस क्या रहेगी, जिनके बेसिस पर ट्रांजेक्शन होगा वो बता दिया जाएगा, एंड जो भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से ऑडिट कमेटी प्रोवाइड करना चाहती है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ध्यान से समझेंगे इसको,
है ना। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किसी व्यक्ति के साथ था वो हमने फोर्सिंग नहीं किया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, जिसके के कारण ये ऊपर वाली डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो फिर ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए कि बोले 1 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। फिर से समझना, मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति है जिसके साथ, जिसके लिए ऊपर वाली जितनी इंफॉर्मेशन हमने मांगी थी वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और फिर भी ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल देना चाहती है, तो 1 करोड़ रुपए तक के ट्रांजेक्शन की दे सकती है। भले ही अच्छा ऑडिट कमेटी को लगता है कि जितने एक्सपेक्टेड पर्सन थे उनका तो दे दिया। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑल ऑफ सडन आ जाता है, जो है हमारे रिलेटेड पार्टी बट उसके साथ पहले कभी हमने ट्रांजेक्शन नहीं किए और वो रिपीटेटिव नेचर के हमारे साथ ट्रांजेक्शन करना चाहता है एंड अर्जेंसी है, तो फिर ऑडिट कमेटी बोल सकती है बोले ठीक है 1 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन तू कर ले, अभी हमने सारी चीजें देखी नहीं बट 1 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन तू कर ले, फिर हम बाद में इसे रिव्यू कर लेंगे, है ना। फिर ये ओमनीबस अप्रूवल 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी, 1 साल के बाद फिर वापस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगी, है ना। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने 180(1)(a) पढ़ा था ना, सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियल होल ऑफ द अंडरटेकिंग, उसके लिए ओमनीबस अप्रूवल नहीं दी जा सकती है, उसके लिए ओमनीबस अप्रूवल नहीं दी जा सकती है। एंड ऑडिट कमेटी अपनी तरफ से कंडीशंस लगा देगी जो भी लगाना चाहे। ये ओमनीबस अप्रूवल वाला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब कंपनीज एक्ट के हमारे प्रोविजंस खत्म हो गए, अब सेबी वाले बचे हैं वो अपन देखते हैं।